हे गाइस, मैं हूँ केके जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केके जेड प्रोडक्शन और फेस फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और यदि आप लेबर रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही CSE कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग हम जो है कि वीडियो जो है हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ पर अपडेट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड कि यदि आप छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ की वेबसाइट के अंदर यदि आप लेबर रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है फ्रेंड, आधार नंबर के थ्रू मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जो कि आप अपना जो पंजीयन क्रमांक है उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है फ्रेंड कि जो आपका पंजीयन क्रमांक जो होता है वो हम कभी भूल जाते हैं या फिर फॉरगेट कर जाते हैं, या फिर हमारा जो पंजीयन कार्ड है यदि हम डाउनलोड करके भी ले आए हैं, वो पंजीयन कार्ड जो है यदि हमारा कहीं गुम गया और हमारा जो पंजीयन क्रमांक है वो भी हमें याद नहीं है, तो हम कैसे मतलब उस पंजीयन क्रमांक को आधार नंबर से कैसे ढूंढेंगे या कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है, कभी कभी हम ऑनलाइन फॉर्म पंजीयन जो हमारा लेबर रजिस्ट्रेशन करवाते रहते हैं, ठीक है, या फिर करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी बीच में सर्वर इशू के कारण यदि हमारा पेमेंट हो जाता है और उसके बाद का जो इनकम्प्लीट फॉर्म है उसको भी यदि हमें कंप्लीट करना है तो, और यदि हम उस टाइम में यदि हम जो पंजीयन क्रमांक है उसको नोट नहीं करते हैं, ठीक है, और यदि हमने पेमेंट कर चुके हैं, यदि संगठित मजदूर का बना रहे हैं या फिर असंगठित का भी बना रहे हैं और उसी फॉर्म को हम कंप्लीट करना चाहते हैं वहाँ से आगे प्रोसीजर करके, तो फ्रेंड इसके लिए भी आपको जो है कि पंजीयन क्रमांक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब यदि पंजीयन क्रमांक की इस केस के लिए भी जरूरत पड़ सकती है कि आप दोबारा जो है कि अपना पंजीयन कार्ड यदि डाउनलोड करवाने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको जो है पंजीयन क्रमांक आपको देना पड़ेगा, ठीक है, और भी कहीं भी आपको जो पंजीयन क्रमांक की डिटेल्स है यदि आपको देनी पड़ी तो उस समय भी ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग आधार नंबर से मैं आपको यहाँ पास करने के लिए बताऊंगा फ्रेंड, तो आप सिंपली तरीके से फ्रेंड यहाँ पास कोई भी एक वेबसाइट के अंदर सीजी लेबर रजिस्ट्रेशन सर्च कर लें, सीजी लेबर सर्च कर लें, सीजी लेबर रजिस्ट्रेशन भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा cglabor.nic.in, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए फ्रेंड ये आपके इसी वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली तरीके से आप लॉग इन कर लें, जैसे क्लिक करेंगे तो इस पेज के अंदर आप चले जाएंगे जो भी आपका लेबर रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल पेज है सीजी डिपार्टमेंट का। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, संगठित कर्मकांड मंडल में जाना है और आपको सिंपली तरीके से श्रमिक पंजीयन आवेदन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए असंगठित कर्मकांड पे आपका क्लिक रहेगा और आगे जाए पे क्लिक कर देंगे, जैसे आगे जाए पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपको यही वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी वाले पेज को आपको ओपन करना है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर इंटर कर देना है, मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर दें। जैसे आधार नंबर इंटर करेंगे फ्रेंड, उसके बाद आपको आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको सिंपली तरीके से फ्रेंड या तो सुरक्षित करें पे जाएं, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट ही सर्च करके आपको यहाँ पर दिखा देगा, आप सुरक्षित करें पे क्लिक कर दें। इसके बाद आधार कार्ड का प्रयोग आवेदन क्रमांक देख सकते हैं फ्रेंड, आपको दिखाई दे रहा होगा मैं किया जा चुका है, तो इस तरीके से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो आधार कार्ड आपने दिया था उसका जो पंजीयन क्रमांक या फिर आवेदन क्रमांक कौन सा है। तो इस आवेदन क्रमांक या पंजीयन क्रमांक से आप अपना पंजीयन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपने आगे यदि आपका फॉर्म बीच पे कहीं पर यदि फंसा है, यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो आप इस पंजीयन क्रमांक को भी इंटर करके जो है कि अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पंजीयन क्रमांक को आप सेव करके रख सकते हैं या फिर कहीं भी डिटेलिंग भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड आप आधार कार्ड से किसी भी असंगठित मजदूर का जो है पंजीयन क्रमांक आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये वीडियो असंगठित मजदूर के लिए था कि आप असंगठित मजदूर का जो पंजीयन क्रमांक है वो आधार कार्ड के थ्रू कैसे आप फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।